फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सेल। सो सेल क्या है? सेल इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी जो बॉडी है उसका सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल। सो हमारी बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी है। सो सेल फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। सो रॉबर्ट हुक ने 1665 में फर्स्ट टाइम सेल को डिस्कवर किया था। सो रॉबर्ट हुक क्या कर रहे थे उस टाइम? वो बॉटल कॉक पर स्टडी कर रहे थे। बॉटल कॉक क्या है? जो बार्क होती है ट्री की, उससे बॉटल कॉक बनती है। सो ये बार्क टिश्यू होता है। सो बार्क टिश्यू या फिर बॉटल कॉक पर रॉबर्ट हुक स्टडी कर रहे थे 1665 में। एंड ये अपना खुद का कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज कर रहे थे उसको स्टडी करने के लिए। एंड उस टाइम रॉबर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ स्मॉल स्ट्रक्चर उन्होंने देखे। वो स्मॉल स्ट्रक्चर रूम के जैसे दिख रहे थे, जैसे बहुत स्मॉल रूम होता है उस तरह का वो स्मॉल स्ट्रक्चर दिख रहा था। एंड रॉबर्ट हुक ने उस स्मॉल स्ट्रक्चर या फिर स्मॉल रूम्स को किसका नाम दिया? सेल का। लेकिन उनका जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था उसकी जो मैग्निफिकेशन थी वो बहुत कम थी, उसकी वजह से वो डिटेल नहीं देख पा रहे थे उस स्ट्रक्चर में। सो इसलिए उन्होंने सेल को नॉन लिविंग बोल दिया, क्योंकि उनको कोई डिटेल स्ट्रक्चर या फिर कोई भी मूवमेंट उस सेल में नजर नहीं आई। सो रॉबर्ट हुक की ये लिमिटेशन थी कि उन्होंने सेल को नॉन लिविंग बोला। देन फर्दर इस पर स्टडी हुई एंड जो ल्यूइन हुक है उन्होंने देन इस पर स्टडी की। एंड उनका जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था उसकी जो मैग्निफिकेशन थी वो हाई थी, जिसकी वजह से वो डिटेल देख सकते थे। सो उन्होंने डिटेल में क्या देखा कि ये सेल क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, इसमें मोबिलिटी है। इसलिए ल्यूइन हुक ने सेल को क्या बोला? लिविंग। सो सेल क्या है? लिविंग स्ट्रक्चर है। नाउ अब हम इस सेल के डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये क्या होता है। सेल इज द स्मॉलेस्ट, इतना स्मॉलेस्ट है कि हम इसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है इसको देखने के लिए। स्ट्रक्चर, जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं सेल। एंड फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं यूनिट ऑफ बॉडी। सो कोई भी, अगर वो ह्यूमन बॉडी हो, प्लांट बॉडी हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना है? सेल से। और सेल क्या है? उसका स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। नाउ बॉडी कंटेन्स सेवरल बिलियन सेल्स। हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, बिलियन सेल्स होते हैं विद डिफरेंट साइज। उनका साइज क्या होता है? डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा फीमेल एग है यानी कि ओवम, वो सबसे लार्जेस्ट सेल है हमारी बॉडी का। एंड जो मेल सेल है स्पर्म, वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है बॉडी का। सो देयर आर डिफरेंट साइज ऑफ द सेल। देन शेप, इनकी जो शेप है वो भी डिफरेंट होती है। लाइक जो न्यूरॉन सेल है वो सबसे लॉन्गर सेल है, नर्व सेल। एंड मसल सेल जो है उसकी जो शेप है वो डिफरेंट है। देन फंक्शन भी इनके डिफरेंट होते हैं। जैसे जो नर्व सेल, न्यूरॉन सेल है वो क्या करता है? कम्युनिकेशन का काम करता है। लेकिन जो मसल सेल या फिर कार्डियक सेल है वो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। सो सेल के क्या होते हैं? डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप और डिफरेंट फंक्शन होते हैं, लेकिन ऑल टुगेदर ये एक सिस्टम बनाते हैं, एक बॉडी बनाते हैं। नाउ ये इस तरह से होता है। सबसे पहले जो सेल है वो डेवलप कैसे होता है? सो सेल डेवलप होता है फ्यूजन से। और फ्यूजन किसका होता है? एक फीमेल सेल, जिसको क्या बोलते हैं? ओवम। और एक मेल सेल, जिसको क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजोआ। सो ओवम क्या है? लार्जेस्ट सेल। स्पर्मेटोजोआ क्या है? स्मॉलेस्ट सेल। सो ये दोनों सेल जब फ्यूज होते हैं, ओवम में भी क्या होता है? हिप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स, यानी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। एंड स्पर्मेटोजोआ में भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। जब ये दोनों हिप्लॉइड सेल फ्यूज होते हैं देन क्या बनता है? जाइगोट, जो कि डिप्लॉइड सेल होता है, जिसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जाइगोट क्या है? सेल है। एंड जाइगोट से ही सेल, इस सेल से ही हमारी पूरी बॉडी डेवलप होती है। जाइगोट देन फर्दर डिवाइड होता है थ्रू माइटोसिस एंड देन हमारी जो पूरी बॉडी है वो डेवलप होती है। सो ये इस तरह से होता है। ये एक सिंगल सेल है जिससे हमारी बॉडी डेवलप होगी। ये सेल डिवाइड होकर बहुत सारे सेल्स मिलकर ग्रुप टुगेदर क्या बनाते हैं? टिश्यू। बहुत सारे सेल्स क्या बनाते हैं? टिश्यूज। ये क्या है? टिश्यू है।
सो ये इसी तरह से है, क्योंकि सेल को बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं, हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक इसलिए कहते हैं, जैसे एक बिल्डिंग के बनने के लिए ब्रिक्स की जरूरत होती है, इसी तरह से हमारी बॉडी को बनने के लिए किसकी जरूरत है, सेल की। सो सेल किस तरह से एक ब्रिक की तरह है, जैसे कि एक सिंगल ईंट होती है बिल्डिंग को बनाने के लिए, ऐसे ही सेल भी एक सिंगल ब्रिक की तरह है, जो कि मिलकर, बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। सो टिश्यू कैसा है, जैसे एक वॉल होती है, एक दीवार होती है जो कि ब्रिक से बनी होती है। देन ये टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन। सो बहुत सारे टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टमक का एग्जाम्पल दे रही हूं। सो सपोज ये स्टमक है। सो स्टमक क्या है, एक ऑर्गन। सो बहुत सारे टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन। एंड बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, एक ऑर्गन सिस्टम है जिसमें क्या आता है, बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल टिश्यूज ने मिलकर स्टमक बनाया। सो स्टमक जैसे और भी ऑर्गन्स है, जैसे कि स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। सो ये सब ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, एक ऑर्गन सिस्टम है जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। सपोज डाइजेस्टिव सिस्टम क्या परफॉर्म करता है, डाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म करता है। सो डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम जरूरी है। सो ये इसी तरह से हो गया कि सेल क्या है, एक ब्रिक है जिससे मिलकर क्या बनाए, टिश्यूज बनाए। टिश्यू क्या है, एक ब्रिक वॉल है। एंड ये टिश्यूज क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन क्या है, एक रूम जैसा, जैसे कि बहुत सारी ब्रिक्स ने मिलकर एक रूम बनाया। सो वो रूम क्या है, स्टमक या फिर ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नर्वस सिस्टम का ऑर्गन ले तो सेरिब्रम एक ऑर्गन है नर्वस सिस्टम का। देन ये ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या है, फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम या फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। सो ये क्या, ऑर्गन सिस्टम। एंड बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, ह्यूमन बॉडी। सो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, एक ह्यूमन बॉडी। सो इस तरह से सेल से पूरी बॉडी डेवलप होती है। नाउ सेल थियोरी क्या है, सेल थियोरी किसने दी थी, ये क्या कहती है। सो डेवलप बाय माइक्रोबायोलॉजिस्ट श्लेडेन एंड शिवान। सो श्लेडेन एंड शिवान ने सेल थियोरी दी थी। एंड ये सेल थियोरी क्या बताती है, प्रॉपर्टीज ऑफ सेल, कि सेल की प्रॉपर्टीज क्या है। सो फर्स्ट सेल क्या है, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। सो सारे लिविंग थिंग्स किससे बनी है, सेल से और उनके प्रोडक्ट से। सो ह्यूमन बॉडी भी सेल से ही बनी है, जैसे मैंने अभी बताया, सेल मिलकर टिश्यू, देन ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम एंड देन बॉडी। और सेल के प्रोडक्ट्स जैसे कि नेल्स, हेयर, ये सब सेल्स के प्रोडक्ट्स हैं। सो जो लिविंग बॉडी है वो किससे बनी है, सेल और उसके प्रोडक्ट से। देन न्यू सेल्स आर क्रिएटेड बाय ओल्ड सेल्स डिवाइडिंग इनटू टू। सो न्यू सेल्स कैसे बनती है, एग्जिस्टिंग सेल से। सो न्यू सेल्स एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। फॉर एग्जाम्पल ये जो जाइगोट है ये पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है। सो इस एग्जिस्टिंग सेल से फर्दर न्यू सेल्स बनेंगे, जैसे कि ये एग्जिस्टिंग सेल्स टू में डिवाइड होगा। सो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइटोसिस। सो सेल डिवाइड होता है फर्दर। सो ओल्ड सेल्स से ही न्यू सेल्स बनते हैं एंड देन पूरी बॉडी बनती है। देन सेल्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कैसे है, सो मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे बिल्डिंग बनने के लिए एक ब्रिक चाहिए, ऐसे ही पूरी हमारी बॉडी भी एक बिल्डिंग की तरह है, उसको बनने के लिए क्या चाहिए, सेल चाहिए। सो सेल्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। देन ये था ओल्ड कॉन्सेप्ट सेल थियोरी का। अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसी थियोरी का, एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन टोटल एक्टिविटी ऑफ इंडिपेंडेंट सेल। सो एक इंडिपेंडेंट सेल में क्या अंदर एक्टिविटी हो रही है उस पर डिपेंड करेगा कि हमारी बॉडी टोटल क्या एक्टिविटी परफॉर्म करेगी। सो एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म किस पर डिपेंड करती है, टोटल एक्टिविटी ऑफ इंडिपेंडेंट सेल, कि एक इंडिपेंडेंट सेल में, एक अकेले सेल में क्या एक्टिविटी हो रही है। देन एनर्जी फ्लोज अकर्स इन सेल थ्रू ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बाय रेस्पिरेशन। सो एक सेल में क्या होता है, अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं एंड इस स्ट्रक्चर में क्या फ्लो करती है, एनर्जी फ्लो करती है। सो ये एनर्जी कैसे फ्लो करती है, ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बाय रेस्पिरेशन। नाउ सेल्स कंटेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू सेल्स। अब एक सेल
सपोज ये जाइगोट है, सो जाइगोट एक सेल है जिससे हमारी पूरी बॉडी डेवलप होगी। अब इस सेल के पास स्पेशल इंफॉर्मेशन है जो कि जो सेल्स इससे डिवाइड होंगे उनमें वो इंफॉर्मेशन पास होगी। सो ये जाइगोट है, ये टू में डिवाइड हुआ। सो इस सेल में जो इस सेल में इंफॉर्मेशन थी जाइगोट में, और ये इंफॉर्मेशन किसके अंदर होती है, न्यूक्लियस के अंदर। सो न्यूक्लियस के अंदर भी डीएनए प्रेजेंट होता है, इस डीएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, ये इंफॉर्मेशन पेरेंट सेल से आगे नेक्स्ट जनरेशन में पास होती है। सो ये पेरेंट सेल है जो कि जाइगोट है, ये जब डिवाइड होगा तो इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो दूसरे सेल्स में जो इससे डिवाइड हुए नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगी। सो यही इस लाइन का मीनिंग है कि सेल्स कंटेन इंफॉर्मेशन, सेल के अंदर एक इंफॉर्मेशन होती है नेसेसरी फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू सेल्स, जो कि न्यू सेल्स की क्रिएशन के लिए नेसेसरी है। एंड इस इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं, हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन। हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो इंफॉर्मेशन पास होती है, यानी कि एक सेल से जब दूसरे सेल्स डिवाइड होंगे तो उस सेल की इंफॉर्मेशन दूसरे सेल में पास होगी। एंड ये इंफॉर्मेशन किस में होती है, डीएनए में। नाउ हम सेल के स्ट्रक्चर को देखेंगे कि सेल कैसे बना है। सो सेल स्ट्रक्चर में हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, हम प्लांट सेल को नहीं देख रहे, क्योंकि जो प्लांट सेल है उसमें स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है, सेल मेम्ब्रेन की जगह उसमें सेल वॉल होता है एंड कुछ ऑर्गेनेल्स की जगह उसमें कुछ और ऑर्गेनेल्स होते हैं। सो ऑर्गेनेल्स में भी डिफरेंस है, सेल मेम्ब्रेन में भी डिफरेंस है, एंड इसलिए हम एनिमल सेल की स्टडी कर रहे हैं। सो एनिमल सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिससे पूरे सेल को एनक्लोज किया हुआ होता है। सो ये एक एनिमल सेल है, सो दिस इज एनिमल सेल। एंड ये जो सबसे आउटर कवरिंग, जो कि आउटर मेम्ब्रेन है, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसको एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लांट सेल में ही सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, सेल वॉल होती है। सो सेल मेम्ब्रेन एक सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू सेल के अंदर और सेल के बाहर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होता है। सो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, प्लस ये सेल के जो अंदर स्ट्रक्चर्स हैं उनको प्रोटेक्ट भी करती है। सो फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन, देन है न्यूक्लियस। सो सेल के सेंटर में, ऑलमोस्ट सेंटर में ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सो दिस इज न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस के अंदर छोटी सी बॉडी प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। सो दिस इज न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए। डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल। सो न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है, जो कि ये जेनेटिक मटेरियल है जो कि एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होता है। सो न्यूक्लियस का क्या काम है, फर्स्ट काम इसका ये है, न्यूक्लियस क्या हेड है सेल का। सो ये जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सेल में होती है उनको कंट्रोल करता है, प्लस इसमें जो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होती है, छोटी सी बॉडी। न्यूक्लियोलस का क्या काम है, जो प्रोटीन्स होते हैं उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करता है। सो प्रोटीन बनने के लिए जो कंपोनेंट्स चाहिए उनको मैन्युफैक्चर करने का काम किसका है, न्यूक्लियोलस का। नाउ हर सेल में, वैसे ऑलमोस्ट सारे सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट रेड ब्लड सेल्स जो आरबीसीज है हमारी बॉडी में उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। सो सेल के न्यूक्लियस को छोड़ के, सो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में मीन सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, एंड इस फ्लूइड को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। सो ये जो साइटोप्लाज्म है ये एक थिक फ्लूइड है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है। इन साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ऑर्गेनेल सस्पेंडेड होते हैं। सो इस साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में इंक्लूडेड नहीं होता। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। सो सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। देन सेल ऑर्गेनेल्स। सो सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, इनको स्मॉल ऑर्गन्स भी कहते हैं।
जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ऐसे ही सेल के अंदर भी स्मॉल ऑर्गन्स या फिर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है सेल का. सो सबसे फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह से सेल में प्रेजेंट होता है. सो ये क्या है माइटोकॉन्ड्रिया. सो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं क्योंकि जो भी एनर्जी सेल को चाहिए मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए वो एनर्जी कहां से आती है माइटोकॉन्ड्रिया से. सो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या प्रेजेंट होता है एटीपी, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि एनर्जी है. सो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है. जो भी एनर्जी सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए जरूरी होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलती है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं. देन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. वन मोर थिंग हियर कि जितने भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं सेल के अंदर वो भी एक अपनी मेम्ब्रेन में इंक्लोज्ड होते हैं. सो माइटोकॉन्ड्रिया की ये मेम्ब्रेन है. सो कुछ मेम्ब्रेन कुछ ऑर्गेनेल्स डबल मेम्ब्रेन होती है, कुछ सिंगल मेम्ब्रेन होती है. सो सेल मेम्ब्रेन तो है ही जो पूरे सेल को एंक्लोज कर रही है, लेकिन ऑर्गेनेल्स की अपनी एक मेम्ब्रेन भी होती है. सो माइटोकॉन्ड्रिया क्लियर. देन नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसके साथ अटैच होता है. सो इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स का होता है, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं. सो जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच है वो क्या है RER, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंड जिसके ऊपर अटैच नहीं है वो क्या है SER, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो राइबोसोम्स का क्या काम है, राइबोसोम प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं. सो ये प्रोटीन फैक्ट्रीज भी इनको कहते हैं क्योंकि राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है. सो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं उनको कहते हैं रफ, एंड जिनके ऊपर अटैच नहीं होते उनको कहते हैं स्मूथ. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, इन प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करना. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करना. देन व्हाट इज गॉलजी एपरेटस. गॉलजी एपरेटस भी इसी तरह से ऐसे प्रेजेंट होता है. सो ये क्या है गॉलजी एपरेटस. सो यहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किससे, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से अटैच होगा ताकि न्यूक्लियोलस से वो जो प्रोटीन के कॉम्पोनेंट्स हैं उनको रिसीव कर सके. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, ट्रांसपोर्ट करना प्रोटीन्स को. एंड गॉलजी एपरेटस का क्या काम है, ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं प्रोटीन इनको रिसीव करना. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं प्रोटीन, गॉलजी एपरेटस उन प्रोटीन को रिसीव करेगा. देन यहां पर वो प्रोटीन्स की पैकिंग करेगा और उनको मॉडिफाई करेगा. मॉडिफाई करके उनको पैक करेगा और जहां पर सेल में जरूरत है उस प्रोटीन की वहां पर उस प्रोटीन को पहुंचाता है गॉलजी एपरेटस. इसलिए इसको पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं सेल का. सो पोस्ट ऑफिस का क्या काम होता है, लेटर्स को रिसीव करना और जहां पर वो लेटर चाहिए जिसका वो लेटर है वहां तक वो पहुंचा देते हैं. ऐसे ही गॉलजी एपरेटस प्रोटीन्स को रिसीव करके जहां पर सेल में जरूरत होती है पैकिंग करके वहां पर प्रोटीन को पहुंचा देते हैं. सो दिस इज गॉलजी एपरेटस. देन है राइबोसोम्स. राइबोसोम मैंने पहले बता दिया प्रोटीन फैक्ट्री है जो कि प्रोटीन को प्रोड्यूस करती है. देन व्हाट इज लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स भी इस तरह से प्रेजेंट होता है सेल में. सो लाइसोसोम को क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल. सो लाइसोसोम को सुसाइडल बैग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेल को डाइजेस्ट कर लेता है, खा जाता है. सेल को कब खाता है ये, जब सेल की डेथ हो जाती है. सो जब सेल डाई हो जाता है तो लाइसोसोम इस सेल को डाइजेस्ट कर लेता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं. इन सारे स्ट्रक्चर्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, अभी जस्ट इसका एक ओवरव्यू मैंने दिया है.
नाउ फंक्शंस ऑफ सेल, कि सेल क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है. सो फर्स्ट फंक्शन क्या परफॉर्म करता है सेल, प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर. सो स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट सेल प्रोवाइड करता है. बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाती है, स्ट्रक्चर. सो ये स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल हमारी स्किन. सो स्किन बहुत सारे सेल से बनी है. सो ये हमारा क्या बना रही है, स्ट्रक्चर बना रही है. स्किन हमारी बॉडी को सपोर्ट कर रही है. ऐसे ही हमारा स्केलेटन सिस्टम बहुत सारे सेल से मिलकर बना है. सो एंड क्या प्रोवाइड करती है, सपोर्ट. सपोर्ट का क्या मतलब है, जो हमारी सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो क्या प्रोवाइड कर रही है, सेल को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है. नाउ नेक्स्ट है फैसिलिटेट ग्रोथ. सो एक सेल क्या होता है, डिवाइड होता है. सेल क्या होता है, रेप्लिकेट होता है. सो सेल डिवाइड होकर टू सेल्स बनाता है, देन वो फर्दर डिवाइड होते हैं माइटोसिस या मियोसिस के थ्रू. सो देन हमारी बॉडी क्या करती है, ग्रो करती है, डेवलप होती है. सो सेल फैसिलिटेट ग्रोथ. देन थर्ड है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस. सो सेल क्या करता है, जो इसेंशियल सब्सटेंसेस हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया या न्यूट्रिशन हो गया, उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है. सो ये विद इन द सेल कैसे होता है, विद इन द सेल तो जो ऑर्गेनिल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट करती हैं सब्सटेंसेस को. देन सेल में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है अलोंग द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट. जो ऑक्सीजन है वो अंदर ट्रांसपोर्ट होती है सेल के, एंड जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट होता है. सो सेल का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस. देन है एनर्जी प्रोडक्शन. सो सेल में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं, अकर होती हैं. सो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एंड सेल अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस करता है बाय द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पावर हाउस है सेल का. सो वो ATP प्रोड्यूस करता है. सो एनर्जी प्रोडक्शन भी सेल में ही होती है. एंड ये सेल में एनर्जी कब प्रोड्यूस होगी, जब हम इनफ न्यूट्रिएंट्स लेंगे, जो कि सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में हेल्पफुल होगा, एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होगा. देन है एड्स इन रिप्रोडक्शन. सो रिप्रोडक्शन में कैसे एड करता है, सो मैंने पहले बताया कि जो फीमेल सेल है एंड जो मेल सेल है, यानी ओवम और स्पर्मेटोजोआ दोनों फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, जाइगोट. सो जाइगोट क्या करता है, देन फर्दर डिवाइड होता है, डेवलप होता है थ्रू माइटोसिस. सो देन क्या बनती है, पूरा अनदर ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है. सो सेल हमारा किस में हेल्प कर रहा है, रिप्रोडक्शन में भी हेल्प कर रहा है. इसलिए क्या कहते हैं, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. एक सेल से जो दो सेल्स हैं वो फ्यूज होकर जाइगोट बना रहे हैं, एंड इस जाइगोट से देन पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है. सो इसलिए ये जो सेल है वो एड्स इन रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन में भी सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जिससे जो लाइफ है वो चल रही है, न्यू लाइफ बन रही है एक सिर्फ एक सिंगल सेल से. If you understood this video, please like, subscribe and share my channel. Also do support women empowerment. Thank you for watching.